हेलो फ्रेंड्स, एंड मैं स्टूडेंट फार्मास्यूटिक्स के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द सिरप। इसमें हम लोग देखेंगे कि सिरप की डेफिनेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ सिरप्स के बारे में बात करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिरप्स के बारे में बात करेंगे, जो हमारा सिरप है उसकी जो फार्मुलेशन है उसके बारे में बात करेंगे, और हम लोग बात करेंगे अबाउट द स्टोरेज कंडीशन ऑफ द सिरप। मेरा नाम है डॉक्टर महमताप सिंह, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सिरप्स क्या होते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, ए सिरप इज ए कंसंट्रेटेड और नियरली वो सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन प्यूरिफाइड वाटर। तो जो हमारा सिरप है वो एक कंसंट्रेटेड या लगभग आप कह सकते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है सुक्रोज इन प्यूरिफाइड वाटर का। अगर हम इसमें हमारे वो शुगर की कंसंट्रेशन के बारे में बात करें, तो अगर हम आईपी के हिसाब से बात करें तो ये होता है 66.7% वेट बाई वेट, और अगर हम बात करते हैं अबाउट द यूएसपी तो उसमें 85% वेट बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जो आईपी में है वहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो है वेट बाई वेट में, और जो हमारा यूएसपी है उसमें जो हमारी कंसंट्रेशन है वो वेट बाई वॉल्यूम में है। अगर हम बात करते हैं वो सिरप्स की, तो वो सिरप्स आर द स्वीट एंड विस्कस प्रिपरेशन, ये जो है आप कह सकते हैं मीठे और गाढ़े प्रिपरेशन होते हैं और इनको हम सिरप्स कहते हैं। अगर हम बात करते हैं कि कितने टाइप्स के हमारे वो सिरप्स होते हैं, तो बेसिकली ये तीन टाइप के हैं। जो पहला है हमारा वो कहलाता है सिंपल सिरप। अगर हम इसकी बात करें तो वो सिंपल सिरप कंटेन्स ओनली सुक्रोज एंड प्यूरिफाइड वाटर। तो जो हमारे सिंपल सिरप है उसमें सुक्रोज और जो आप कह सकते हैं खाली प्यूरिफाइड वाटर उसके अंदर होता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो अभी हम लोगों ने बात किया आईपी के हिसाब से, अगर हम बात करें वो सुक्रोज यहाँ पे 66.7 ग्राम हम यूज़ कर रहे हैं, और जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं प्यूरिफाइड वाटर वो इतना ऐड कर रहे हैं क्वांटिटी वो सफिशियंट टू प्रिपेयर 100 ग्राम ऑफ द सिरप। और अगर हम बात करते हैं अबाउट द यूएसपी, तो यहाँ पे हम जो हमारा सुक्रोज है उसको हम 85 ग्राम ले रहे हैं, और जो हमारा प्यूरिफाइड वाटर है उसको हम इतना ऐड करेंगे कि जो हमारी प्रिपरेशन है वो टोटल 100 ml बन जाए। अब जो हमारा दूसरा है वो कहलाता है मेडिकेटेड सिरप। इसमें क्या होता है, वो सिरप कंटेनिंग मेडिसिनल वो सब्सटेंसेस कॉल्ड मेडिकेटेड सिरप। तो ऐसे सिरप जिनके अंदर कोई आप कह सकते हैं कि मतलब होता है मेडिसिनल सब्सटेंस, उनको हम कहते हैं मेडिकेटेड सिरप कहते हैं। अगर इसके एग्जांपल की बात किया जाए तो हमारा जो होता है जिंजर सिरप, इसमें क्या होता है स्ट्रॉन्ग जिंजर टिंचर होता है जिसकी क्वांटिटी 5.0 ml हम लेते हैं, और हम इसमें ऐड करते हैं जो हमारा सिंपल सिरप है या जो हमारा सिरप है उसकी क्वांटिटी इतनी ऐड करते हैं कि जो हमारी टोटल प्रिपरेशन है वो 100 ml फॉर्म हो जाए। तो इस कंडीशन में जो हमारा सिरप फॉर्म होता है वो कहलाता है जिंजर सिरप, और ये एक मेडिकेटेड सिरप होता है। तो जो हमारा तीसरा टाइप है वो क्या है, फ्लेवर्ड सिरप। सिरप कंटेनिंग एरोमेटिक और फ्लेवर्ड सब्सटेंस कॉल्ड फ्लेवर्ड सिरप। तो जो ऐसे सिरप जिनके अंदर कोई जो एरोमेटिक कंपाउंड वो जिसमें से कोई स्मेल आती हो, एरोमा आती हो वो हो, या कोई फ्लेवर अगर हम यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा सिरप फॉर्म होता है उसको हम फ्लेवर्ड सिरप कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द वो सिरप, तो उस कंडीशन में इट एक्ट एज एन एंटी ऑक्सीडेंट। तो जो हमारा सिरप है वो एंटी ऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करता है, एज सुगर हाइड्रोलाइज इनटू द वो रिड्यूसिंग सुगर लेवलोज एंड डेक्सट्रोज। तो जो हमारा वो सुगर है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है वो लेवलोज में और वो डेक्सट्रोज में, वो जिसके कारण की ऑक्सीडेशन की प्रोसेस वहाँ पे प्रिवेंट होती है, और ये एक एंटी ऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करता है। इट ऑल्सो एक्ट एज ए प्रिजर्वेटिव बाई प्रिवेंटिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया फंगाई एंड मोल्ड। तो ये क्या करता है कि ये प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया फंगाई और मोल्ड की जो ग्रोथ है उसको, मतलब वो प्रिवेंट करता है। ये क्यों करता है, क्योंकि इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 16 टाइम्स हाई होता है अगर हम उसको कंपेयर करते हैं आइसोटॉनिक सोल्यूशन से। और इसका जो अगला एडवांटेज है वो है तो वो सिरप्स आर पलेटेबल, ये आसानी से हम इनको निगल सकते हैं। इनके अंदर जो हम यूज़ कर रहे हैं शुगर उसके वो कारण इसके अंदर स्वीटनेस आ जाती है, जिससे कि जो भी हमारा सब्सटेंस है उसका अगर टेस्ट जो है वो नाउसियस है या बिटर है तो वो उसको मास्क कर देता है, और हम आसानी से अपने सिरप को कंज्यूम कर लेते हैं, पी लेते हैं। और इसका जो अंतिम एडवांटेज है, इट वो प्रिवेंट डिकम्पोजिशन ऑफ द मेनी वेजिटेबल सब्सटेंस। तो काफ़ी सारे हमारे वेजिटेबल सब्सटेंस ऐसे हैं वो जिनको कि अगर सिरप में रखा जाए तो वो उनके वो डिकम्पोजिशन को स्टॉप करता है, रोकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हम लोग यूज़ करते हैं वो मुरब्बा यूज़ करते हैं,
उसको हम लोग सिरप के अंदर ही वो रखते हैं, जिसके कारण कि उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द सिरप। तो जो हमारा वो सिरप है उनको हम किन किन मैथड्स को यूज करके प्रिपेयर करते हैं। तो जो हमारा पहला मैथड है इट इज कॉल्ड बाई सिंपल सोल्यूशन मैथड। इसमें भी जो है दो पार्ट है। जो पहला पार्ट है वो है हमारा हॉट प्रोसेस। इसमें हम क्या करते हैं वो दिस मैथड इज यूज व्हेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इज नाइदर वोलेटाइल नार हीट लबाइल। तो अगर हमारा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट वो अगर आप कह सकते हैं वोलेटाइल नहीं है या हीट से खराब नहीं होता है तो उस कंडीशन में हम हॉट प्रोसेस मेथड को यूज करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं वो डिजायर्ड अमाउंट ऑफ सुक्रोज इज वेट। हमें जितनी सुक्रोज की आवश्यकता होती है उसको हम वे कर लेते हैं। फिर उसके बाद उसमें ऐड करते हैं प्यूरिफाइड मतलब वाटर को और उसको फिर हम हीट करते हैं ऑन ए वाटर बाथ के ऊपर। और इसको तब तक हीट करते हैं जब तक कि हमें एक क्लियर सोल्यूशन प्राप्त नहीं हो जाता। तो अगर हम इस मेथड के यूज की बात करें तो इससे हम प्रिपेयर करते हैं वो सिरप आईपी अकेसिया वो सिरप जो है एनएफ को हम इससे प्रिपेयर करते हैं, वो कोका वो सिरप एनएफ को हम इससे प्रिपेयर करते हैं और वो टालू वो सिरप आईपी को हम इस प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं। इसमें जो हमारा दूसरा मेथड है दैट इज कॉल्ड द एजिटेशन विदाउट हीट या हम इसको एक कोल्ड प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं यूज्ड फॉर द हीट लबाइल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो अगर हमारा जो सब्सटेंस है एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो हीट के कॉन्टेक्ट में आने से अगर वो खराब हो सकता है हीट लबाइल है तो उस कंडीशन में हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं क्योंकि हम इसमें कोई हीट नहीं यूज करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है सुक्रोज एंड अदर इंग्रेडिएंट आर डिसॉल्व इन द प्यूरिफाइड वाटर थ्रू एजिटेशन। तो इसमें हम जो हमारे और इंग्रेडिएंट है और सुक्रोज है उनको प्यूरिफाइड वाटर में एजिटेशन के थ्रू हम उसके अंदर डिजॉल्व करते हैं। तो अगर इसके एग्जांपल की बात किया जाए तो जो हमारा वो सल्फेट सिरप यूएसपी वो इस प्रोसेस से हम उसको प्रिपेयर करते हैं। अगला जो हमारा मेथड है दैट इज कॉल्ड द परकोलेशन। तो इसमें क्या होता है वो सुक्रोज इज प्लेस इन ए सुइटेबल परकोलेटर। तो इसमें जो हमारा सुक्रोज है उसको हम एक अच्छे अपने हिसाब से जो हमारा ठीक परकोलेटर होता है उसके अंदर उसको हम डाल देते हैं और जो हमारा ये परकोलेटर है उसकी जो नेक है वो लूजली पैक करते हैं विद द कॉटन। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा हालांकि प्यूरिफाइड वाटर है उसको हम उसके ऊपर अलाउ करते हैं वो स्लोली उसके थ्रू पास करते हैं जो हमारा वो सुक्रोज है उसके ऊपर से। तो उस कंडीशन में क्या होता है हाँ तो वो परकोलेट में रिटर्न बैक इफ नेसेसरी। तो अगर हम इसको एक जो है वो डायग्राम के थ्रू वो देखना चाहें तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर कोई हमारा ये इस तरह का है हमारा परकोलेटर और इसमें हमको इस प्रोसेस को करना है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कॉटन को लूजली पैक कर देते हैं और उसके बाद में इसके ऊपर हम डाल देते हैं सुक्रोज को। तो उसके बाद ये है हमारा सुक्रोज। अब हम इसके ऊपर जो हमारा प्यूरिफाइड वाटर है उसको जब हम डालते हैं तो ये अपने अंदर जो है सुक्रोज को वो डिजॉल्व करते हुए आता है और उसको हम नीचे से वो कलेक्ट कर लेते हैं। अगर रिक्वायर्ड होता है तो हम इसको फिर से ऊपर डालते हैं और इस प्रोसेस को तब तक करते रहते हैं जब तक कि सुक्रोज कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं हो जाता है। तो इस प्रोसेस में भी कहीं पर भी हीट यूज नहीं हो रही है इसीलिए हम इसको कोल्ड प्रोसेस कहते हैं। और अंतिम में जो हमारा होता है फाइनल वॉल्यूम उसको हम प्यूरिफाइड वाटर से टेस्ट कर लेते हैं। और जो हमारा अंतिम मेथड है इसमें वो कहलाता है एडिशन ऑफ जो हल मेडिकेटिंग एंड फ्लेवरिंग लिक्विड इन द सिरप। तो अगर हमें अपने जो हमारा सिरप है उसके अंदर वो कोई भी ऐड करना है वो फ्लेवरिंग लिक्विड या कोई भी हमें ऐड करना है मेडिसिनल सब्सटेंस तो उस कंडीशन में हल क्या होता है कि ये मेथड हम यूज करते हैं व्हेन फ्लूइड एक्सट्रैक्ट टिंचर आर अदर लिक्विड टू बी एडेड इन द सिरप। तो अगर हमें अपने सिरप के अंदर कोई फ्लूइड एक्सट्रैक्ट ऐड करना है टिंचर ऐड करना है या कोई और लिक्विड ऐड करना है तो इस मेथड को हम यूज करते हैं। इस कंडीशन में वो क्या होता है एडिशन ऑफ दीज मे कॉज प्रिसिपिटेशन ऑफ द एल्कोहल सॉल्युबल मटेरियल ड्यू टू डाइल्यूशन। तो अगर जो हमारा ये है मतलब फ्लूइड एक्सट्रैक्ट है टिंचर है या मतलब कोई हमारा अदर लिक्विड है अगर उसमें एल्कोहल है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम जब उसमें अपने सिरप को ऐड करेंगे या उसमें हम वाटर को ऐड करेंगे तो क्या होगा कि एल्कोहल हमारा डाइल्यूट होगा जिसके कारण कि एल्कोहल में जो हमारे इंग्रेडिएंट हैं जो सॉल्युबल हैं वो वहाँ पे प्रिसिपिटेट
हो सकते हैं। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इन दिस मिक्सिंग ऑफ द फ्लूइड एक्सट्रैक्ट आर द टिंक्चर विद द वाटर, तो इसमें हम वो जो भी हमारा फ्लूइड एक्सट्रैक्ट है या टिंक्चर है उसको हम ऐड करते हैं वाटर के साथ में, उसमें हम उसको मिक्स करते हैं और जो हमारा मिक्सचर है उसको अलाउ करते हैं स्टैंड करने के लिए, मतलब उसको थोड़ी देर के लिए हम उसको रख देते हैं। तो क्या होता है कि जो भी उसके अंदर इंसॉल्वेबल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो नीचे की ओर बैठ जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और उसको फिर हम अलग कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं और जो हमारा फिल्ट्रेट है उसमें हम सुक्रोज को वो डिजॉल्व करके और इस प्रोसेस को अपने जो है वॉल्यूम को मेकअप कर लेते हैं। इस मेथड को हम उसी कंडीशन में यूज करते हैं कि वो जो भी हमारा इनसॉल्वेबल कॉन्स्टिट्यूएंट है अगर वो एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है तो उस कंडीशन में हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं, और अगर वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है तब हम इस प्रोसेस को नहीं यूज कर पाएंगे। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हम एरोमेटिक एडियोडिक्टिन सीरप जो है NF को हम इस मेथड को यूज करके प्रिपेयर करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द फार्मुलेशन ऑफ द सीरप, तो जो हमारा सीरप है उसमें हम वो क्या क्या चीज़ें यूज करते हैं अगर हम उसके बारे में बात करें तो इसको हम बेसिकली दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला है हमारा वो है वहकिल और जो हमारा वो दूसरा है उसको हम कहते हैं एडजंक्ट, या हम इसको कह सकते हैं एडजुवेंट कह सकते हैं, एक्सिपिएंट कह सकते हैं। तो जो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द व्हीकल, तो यहाँ पे हम प्यूरिफाइड वाटर को सिरप में यूज करते हैं एज ए व्हीकल। अगर हम बात करते हैं एडजंक्ट की तो इस कंडीशन में जो हमारा पहला है वो है केमिकल स्टेबलाइजर, इसमें हम लोग यूज करते हैं ग्लिसरीन को यूज करते हैं, हम सॉर्बिटॉल को यूज करते हैं, हम पॉलीप्रोपाइलीन ग्लाइकॉल को यूज करते हैं इन द स्मॉल क्वांटिटी, और ये प्रिवेंट करते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सुक्रोज। तो इस कंडीशन में अक्सर हमको ये देखने को मिलता है कि जो हमारे वो सिरप्स हैं अगर उनको हम ओपन करते हैं, उसको यूज करते हैं और फिर क्लोज करते हैं तो अगर उसमें स्टेबलाइजर नहीं ऐड है तो जो हमारी कैप है वहाँ पे सुक्रोज प्रिसिपिटेट हो जाती है और हमारा कैप लॉक हो जाता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए स्मॉल क्वांटिटी में हम स्टेबलाइजर्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं वो सर्फेक्टेंट्स को भी यूज़ करते हैं कि जो भी हमारे इंग्रेडिएंट हैं वो आसानी से वो डिजॉल्व हो जाए। इस प्लेस पे जो हम यूज़ कर रहे हैं ये हमारे वो ट्विन्स हैं, इनको हम यूज़ करते हैं कि जो भी हमारे इंग्रेडिएंट हैं वो प्रॉपरली वो डिजॉल्व हो जाए और एक हमें जो क्लियर लिक्विड या क्लियर सीरप इसमें प्राप्त हो। उसके बाद जो हमारा अगला है अर्जेंट वो है द कलरिंग एजेंट, तो अगर हम कलरिंग एजेंट की बात करें तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार अपने उस सिरप को कलर करते हैं और वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वो कोलतास डाइस को हम यूज़ करते हैं, वो लाइक जो एमरंथ वो टाट्राजीन एंड वो ग्रीन एस को हम यूज़ करते हैं अपने सिरप को कलर करने के लिए। इसमें जो हमारा अगला एडिटिव है वो है फ्लेवरिंग एजेंट, तो हम अपने वो सिरप को फ्लेवर करने के लिए उसको एक अच्छा आप कह सकते हैं टेस्ट वो देने के लिए, स्मेल देने के लिए हम यहाँ पे फ्लेवर्स को यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग टिंक्चर्स यूज़ कर सकते हैं, टिंक्चर्स ऑफ लेमन एंड जिंजर को हम यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट वो जूसेस को हम यूज़ करते हैं वो लाइक वो रेसबेरी जूस वाइल्ड वो चेरी जूस को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, और अगर हम बात करते हैं इसेंस की तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं वेनिला इसेंस को यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज इसेंस को यूज़ कर सकते हैं, और भी वो काफ़ी सारे यहाँ पे फ्लेवरिंग एजेंट हैं जो हम अपनी सिरप को सिरप में यूज़ करते हैं उसको एक अच्छा टेस्ट और स्मेल देने के लिए, जिससे कि पेशेंट उसको अच्छे से एक्सेप्ट करे। और उसके बाद में जो हमारा अगला है वो है प्रिजर्वेटिव, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं वो बेंजोइक एसिड को यूज़ करते हैं, वो सोडियम बेंजोएट को यूज़ करते हैं, वो मेथिल वो पैराबेन को यूज़ करते हैं और अपने जो सिरप है उसको हम और इनको ऐड करके हम अपने वो सिरप्स को अच्छे से प्रिजर्व कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द स्टोरेज ऑफ द सिरप, तो अगर हम उस सिरप के स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो इसको हम स्टोर करते हैं इन द वो ड्राइड वेल क्लोज्ड वो बॉटल्स के अंदर हम इसको स्टोर करते हैं और इसको हम वो किसी भी डार्क प्लेस पे और ठंडे प्लेस पे रखते हैं। अगर हम स्टोरेज टेम्परेचर की बात करें तो इसको हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बिलो टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, जिससे कि हमारा जो सिरप है वो प्रॉपरली स्टेबल रहे और एक्सपायरी तक उसमें कोई डिकम्पोजिशन ना हो। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। Thank you.